हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो ब्लॉगर के लिए है। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं और क्या होता है, ब्लॉग लिखते हैं तो हम लोग ब्लॉग के आर्टिकल्स को अगर डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी करके अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में डालते हैं या फिर इंटरनेट के किसी अदर ब्लॉग से कॉपी करके डालते हैं तो प्लेजरिज्म आ जाती है। प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप किसी और का कॉपीराइटेड कंटेंट को डाल रहे हैं और तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं कि किसी और का ऑन है ये कॉपीराइट आर्टिकल और आप अपना आर्टिकल उसे बता रहे हैं। सो इस वजह से जो है गूगल एडसेंस का मोनिटाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो प्लेजरिज्म है, आपका यूनिक आर्टिकल नहीं हो पाता है। सो चैट जीपीटी के थ्रू हम आर्टिकल्स तो जनरेट कर सकते हैं, पर कैसे हम चैट जीपीटी के थ्रू जो आर्टिकल हम जनरेट कर रहे हैं, हम कैसे उस आर्टिकल को प्लेजरिज्म फ्री कर सकते हैं? तो प्लेजरिज्म फ्री करने के लिए हमारे पास एक टूल है, plagiarismremover.net। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लाइक आपके जो आर्टिकल चैट जीपीटी से जनरेट हो रहे हैं वो कितना प्लेजरिज्म से कनेक्टेड है, कितना परसेंट उसमें प्लेजरिज्म है, यानी कि यूनिकनेस कितना कम है, कितना यूनिक है वो बता देता है। प्लस आप चैट जीपीटी से आर्टिकल को जनरेट करके आर्टिकल को रीराइट करवा सकते हैं plagiarismremover.net पे, ताकि वो आपके आर्टिकल को 100% यूनिक कर दिया जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारा जो है टूल अवेलेबल है, मैंने इसके रिलेटेड पिछले वीडियो में बताया था। इस टूल के मदद से आपको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, बहुत सारा प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं आप। खैर अभी इस टूल के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे भी ये लाइव है। हम कोई भी आर्टिकल ब्लॉग लिखवाते हैं हमारे चैट जीपीटी से, उसके बाद उसका हम लोग प्लेजरिज्म देखेंगे और आर्टिकल को रीराइट करवाएंगे। राइट मैं ब्लॉग आर्टिकल ऑन ओके 5 टूल्स फॉर यूट्यूबर ऑन बेसिक ऑफ पीएचपी। मैं बेसिक ऑफ पीएचपी डाल रहा हूँ कि हमें पीएचपी के बारे में बताइए। प्लेजरिज्म का यूज, ये जो है चैट जीपीटी का यूज करके ये हमारा ब्लॉग आर्टिकल ये क्रिएट करके हमें दे रहा है। अब इसमें कितना परसेंट यूनिकनेस है, कितना परसेंट प्लेजरिज्म है, ये कैसे चेक होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर अगर क्लिक करूँ, यहाँ से ये कॉपी हो गया, मैं यहाँ पे चला आता हूँ और ये हमारा प्लेजरिज्म चेक करने वाले लिंक पे चला आया मैं, plagiarismremover.net पे। यहाँ पे मैं कंटेंट को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लेंथ है सिर्फ 1000 वर्ड को आप कर सकते हैं, यहाँ 574 है। अब इस पर चेक करते हैं कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म है हमारे इस आर्टिकल में, जो आर्टिकल हमारा चैट जीपीटी जनरेट किया है। मैं बता दूँ कि ये हमने जो है AIPRM टूल ऑलरेडी चैट जीपीटी में इंस्टॉल्ड करके रखा है, तो प्लेजरिज्म के चांसेस ये कम कर देता है। बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितने परसेंट प्लेजरिज्म आ रहा है इस टूल के अप्लाई करने के बाद भी। सो यहाँ पे प्लेजरिज्म चेक हो रहा है, इसमें देखिए यूनिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, 97% का यूनिकनेस है और 3% का प्लेजरिज्म है, मतलब कि सेम कॉपीराइटेड वाला। अगर हमें इसे रिमूव करना है, इन केस में अगर आपका आर्टिकल आप जनरेट कर रहे हैं चैट जीपीटी के मदद से, क्योंकि अगर आपका AIPRM टूल नहीं इंस्टॉल्ड है और आप जनरली चैट जीपीटी से आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं, तो ये जो प्लेजरिज्म का ये जो है परसेंटेज है ये बहुत हाई होता है। क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है ये प्रॉम्प्ट का, तो इसके वजह से ये कम प्लेजरिज्म कंटेंट जनरेट कर रहा है, पर अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो ज़्यादा करेगा। तो ज़्यादा जब रहेगा या 3% भी है, तो इसे रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल, यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं आर्टिकल रीराइटर पे। अब हम जो है जो आर्टिकल हमारा चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दिया है, हम चाहते हैं कि ये हमारा वर्ड में हो ताकि ये और यूनिक लगे। क्योंकि ये चैट जीपीटी के द्वारा है तो गूगल एडसेंस को इजीली पता चल जाएगा कि हाँ ये चैट जीपीटी के द्वारा, एआई के द्वारा जनरेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, अब इसको रीराइट करूंगा। ये हमारा आर्टिकल को रीराइट करा एक नॉर्मल ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन राइटिंग में, कि एक ह्यूमन लिखा है ऐसा राइटिंग में ये कन्वर्ट कर रहा है। ये रीराइट हो रहा है, ये आर्टिकल रीराइटर है। इसके बाद मैं फिर से चेक कर लूँगा कि प्लेजरिज्म जो है हमारी ये जनरेट हो गया। अब मैं फिर से चेक कर लूँगा कि इसकी जो है प्लेजरिज्म कितनी है। मैं यहाँ पे ये कॉपी भी कर सकता हूँ, इसकी प्लेजरिज्म चेक कर सकता हूँ कि कितनी है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो इंटरनेट के द्वारा जनरेटेड था, AI के द्वारा जो जनरेटेड ये कॉन्टेंट इन्होंने चैट जीपीटी ने जनरेट किया था, उसे हमने ह्यूमन रिटन भाषा में कन्वर्ट कर दिया, ये आर्टिकल रीराइट हुआ है। अब इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं, चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्लेजरिज्म चेक कर रहा है कि क्या प्लेजरिज्म इसमें है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट ये कंटेंट हमारा यूनिक है, तो ये यहाँ पे चेक कर रहा है। जब तक ये चेक कर रहा है, मैं बता दूं कि इस टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस टूल का लिंक चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म जो है जो 3% था उसको 0 कर दिया, आप देख सकते हैं ये 100% यूनिक कंटेंट बन चुका है। अगर आप इस आर्टिकल का यूज करते हैं अपने ब्लॉग में तो चांसेस बढ़ जाता है कि एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि ये 100% यूनिक हो गया है, प्लेजरिज्म इसकी खत्म हो गई, 100% ये यूनिक हो गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।